नमस्कार, आप देख रहे हैं बुराइल न्यूज। पिछले 27 में रात से धीमासाओं में जोरदार बारिश और तूफान आने के कारण माईबांग डिग्री कॉलेज के नजदीकी गांव कोलाबारी में चार परिवार के घर और साथ ही साथ माईबांग से कालिन दिशा रोड जो याब्रा डिटुकी जैसे चार पांच गांव जाने वाले सड़क भी लगभग 300 मीटर जैसे माहूर नदी बाढ़ आने के द्वारा ले चला गया और अब कोई रास्ता नहीं है उधर। चलिए बिना वक्त जाया करके आपको दिखाते हैं वहां के दृश्य और उसके बाद आपको सुनाते हैं कि इस विषय में डैनियल अंगसा का क्या कहना है। आज यहाँ माईबांग में आया है और इधर में क्या हुआ कि जब ये रिसेंटली बारिश बहुत ज़ोर से दिया साइक्लोन रिमल के वजह से बारिश आया तो यहाँ का जो माहूर रिवर है उसका पानी इतना बड़ा हो गया। तो ये आप जो देख रहा है मेरे पीछे में वो जो नदी है यहाँ का रोड को लेके चला गया। तो ये रोड जो है ये माईबांग से लेके खाइलिम डिसा याब्रा ऐसा बहुत सारा बस्ती को कनेक्ट करता है। तो इसलिए अभी क्या हो गया, ये रास्ता चले जाने के वजह से अभी ये सब गांव का जितना लोग है वो लोग अभी कट ऑफ हो गया है और अभी तक वहाँ इलेक्ट्रिसिटी करंट भी अभी तक इतना दिन से एक हफ्ता ऊपर हो गया, पावर भी नहीं है। तो आज सुना है कि डिपार्टमेंट लोग आके वो पावर के लिए यहाँ में एक तो टेम्पोररी टावर लगाएगा, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है कि गाँव वाला लोग और टाउन के साथ कनेक्टिविटी टूट गया है। तो मेडिकल इमरजेंसीज बोलिए, किसी को मार्केट में जाना है और स्कूल स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स वो लोग को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, वो लोग अभी जा नहीं पा रहा है। तो अभी इमिडिएटली हम लोग इसलिए अर्जेंटली DDMA के तरफ से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। आप लोग को याद है 2022 में भी ऐसा डिज़ास्टर हुआ था, उस टाइम में हाफलोंग टाउन भी दोनों साइड से कट ऑफ हो गया था। तो इमिडिएटली आके उसको मतलब रेस्टोर किया। तो यहाँ भी दुख का बात है, कभी कभी छोटा गांव को हम लोगों भूल जाता है। टाउन का टाइम में तो हम लोगों बहुत एक दो दिन में टाउन को तो हम लोग मदद कर देता है, लेकिन छोटा छोटा गांव को हम लोग भूल जाता है। लेकिन हम यही बोलना चाहता है कि आदमी तो आदमी है, गांव का लोग भी आदमी है, टाउन का शहर का लोग भी तो आदमी है, वो लोग को भी जीना है, अपना काम है, मेडिकल इमरजेंसी होता है, अभी बहुत तकलीफ़ हो रहा है वो लोग को। इसलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट करता है कि ये आने वाला 2-3 दिन के अंदर में ही एक ये टेम्पोररी रोड बन जाना चाहिए। और यहाँ में जो है थोड़ा देर पहले यहाँ का PWD का एक ऑफिशियल भी आया जिसके साथ हम लोग मुलाकात किया और हाथ में हम लोग ने एक लेटर एक मेमोरेंडम भी दे दिया है, सबमिट कर दिया है। तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट करता है कि इमरजेंसी अर्जेंटली और इसको बहुत सारा इम्पोर्टेंस देख के 2-3 दिन का बीच में ही ये एक टेम्पोररी रास्ता निकल जाना चाहिए, हम लोग एक्सपेक्ट करता है। अगर हम लोग ऐसे समय में अगर सरकार अपना लोग को मदद नहीं देगा तो हम लोग और क्या कर सकता है और क्या आशा रख सकता है। तो इसलिए हम लोग फिर से ज़ोर से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि DDMA की तरफ से काउंसिल भी हो और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आप लोग को किसका भी सहायता लेना है तो जल्द से जल्द लीजिए और ये जो रोड है इसको खोल दीजिए, विदिन 2-3 डेज ये रोड को खोल दीजिए, ये हम लोग एक्सपेक्ट करता है। और एक बात है कि ये जो नदी है उसमें बहुत सालों से बहुत सारा रिवर स्टोन माइनिंग, यहाँ का जो पत्थर है उसका माइनिंग होते आ रहा है, इसलिए माइनिंग के वजह से अभी नदी का जो विद है वो बढ़ गया है, वो बड़ा हो गया है नदी, और पत्थर नहीं है इसलिए वो फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए आने वाला दिन में
परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भी ये पत्थर को भी कोई कोई जगह में हम लोग उनको प्रोटेक्शन वॉल बनाना पड़ेगा, कोई कोई जगह में हम लोग उनको डैम बनाना पड़ेगा छोटा छोटा वाला, और एक अल्टरनेटिव एक रास्ता और एक हाईवे से कनेक्ट करने वाला रास्ता भी एक बनाना पड़ेगा परमानेंटली। तो ये सब चीज़ को जल्द से जल्द मतलब ये सब प्लानिंग शुरू हो जाना चाहिए। हम लोग आशा रखता है कि आने वाला दिन में सब गांव वाला लोग सब 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 लोग मिलके इसका एक ठो सॉल्यूशन मिलेगा बोल के हम लोग को रिक्वेस्ट करता है और हम लोग एक्सपेक्ट करता है। धन्यवाद, थैंक यू जुटाई लेखा दूँ यहाँ पर चलो। इबो माइबांग टू याब्रा रोड इबो 27 तारीख निफ्रांग हाजी हादादा फ्लाट जाहे जिं इबो रोड के थांगेराव फायराव खाइलेन दिसा याब्रा डिडुकी 1 डिडुकी 2 महर फोंलो जिं इबो लामा खेने थांबा फायबा जेबो लामा हामिया बान्दारा जां थांबा फायबा हेमसेन दुखु जालायदु हाजी जालायदु बाजार जिबाहा नलाय सारावला गरिब सेबानि माइरं सामलाय जिनिस लांबा लाबबा हेमसेन दुखु जालायदु ओरैबानि जिं नलाय बङा नलाय दनि खायसुमा एबो गभर्नमेन्ट जाथों आसबाबा कन्ट्राक्टरबो जाथों सांगा गेबेरे रेदादा इबो लामाखे दांरि खाला हामनांगौ सादा जोंला खायसु लादु आदुआ खाना बालाय थिखाला गासि जिनि काउन्सिलनि चेयारमेन गेदेमाबो फायबासिदो दांनां थिलांबासिदो जेबो इसाजेबो दांनां आसार जादु थिखाबो जों खासा गेबेरे दावदादा दांरि खाला हामनांगौ इबुके फारमायने निया खाबो दुआ सुलिमान ख्लाय दादा इबुके नों दहा नों खुलि दारि खादा हामनांगौ जेहि जोंला खायसु लादु उदेजां बो नलायनिफ्राय खामियार बांबियाब्रा खालिम सामफ्रां थांबा फायबाबो से दुखु जालायदु स्कुल एबसेन्ट जादु याहना बसिन बो एग्जाम माउलिनि प्रब्लेम जायोमा उदेबानि सारा आगयदा रां खालादु सारा अखानि दारि खाला हामनांगौ सारा दा गभर्नमेन्टे खायसु लादु आंनि गाराव थायो इलेसनि क्रिकेट बुजुथाय जिनि खालिम दिसा लामा गासि फ्लाट जाबा सिम्बारि सिम्बारि बिफां हाजि हाबा खालिम दिसा लामा गावथारखा फ्लाट जारादा थांथारखा दिनसुसि लामा मायाख' माइनां दिथिबालाम जामा ओरैबानि गिलिमगो साहा जोंला गिलिमगो साहा नांदो ओरैबानि गभर्नमेन्टखे हांगानि लामा स्लामरि खाला हामदावनां थि जोंला आसा जालादो सिबुथिलादो उदैजां जोंख्रिनिबो राजिरावनि ख्रिनिबो खोनारि लादो थिला गिलिम गोसाहा बो आनसाराव ला सिफुरियाराव बिसिबो थांबा फायबा माइया इजा हादिंखि दुवा फुटफाट जावदादा जों सुलि लादो सिखाबो गिलिम गोसाहा ला दुवान सुमन सिबिरि सिबिरियाबो दंख' थ्रि गिलिम गोसा जायाराव ला बावजुया ओरैबानि सानसेबो लामा गेदाला सुलिया ओरैबानि आंला राजिराव ख्रिब गभर्नमेन्टनिबो सरकारनिबो खोनारि लादो मदे गिदिमा आगासे गिदिमा महित होजायब' बबो नायलाफायखा बबो स्लामनां सिलांखा मोजांसिनें बबो सालिबाखे स्रिंब्रिं सालिलांखा अदे एन्जियारबो फायबा एन्जियारजोंबो बुसे ख्रिब खामलायबा संलायबा अदे दांमा इबो हाथनिं सिलाबा सिब्राय जेबो दांफ्रांलायफियानायबा बसर मोदाय खासाव दादा दुबो समाय दं उजा हाजि थावलां दादा मोजांसि दाङारि खानें हामनो मुथि जिं सरकारि हे जिं सिलादु ओरैबानि खानारि लादु खायसु लादु इमिडियेट दुवानिं हांगानिं स्लामरि खाला हामनां सिदारा आंनो आसा खालायलादो ख्रिखिबो जिरिलादो आनगारावखै रानजामिलादो जुथा।